देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। निशानी आई क्या? बाया, ए बाया उठना, चमचम उठना, उठ ग, उठना ग। आए, तेरी आंखें बंद क्यों है? आज क्या है बता? आई का बर्थडे। बरोबर। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठ के किसका चेहरा देखती हूँ? मेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा गिफ्ट? तू बोल क्या चाहिए? मेरी बात मानेगी? आई कभी तेरी बात टाली है मैंने? बोल। अच्छा, अभी जो मैं कहूँगी वो ठीक से सुनना। वो क्या बोलते हैं, तू क्या करती है, वो पार्ट टाइम जॉब, वो तू छोड़ दे, मुझे नहीं अच्छा लगता। तू कोई अच्छी सी ढंग की नौकरी ढूंढ ले। हाँ भाई, इशू तूने अपनी शक्ल देखी है, पूरी मुरझा गई है तू, पतली हो गई है तू। यदि काईजी करते इस गतुआई, तू इतना फिक्र मत कर, पार्ट टाइम जॉब करने का यही तो फायदा है, एक साथ चार चार काम करने को मिलते हैं, ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और कमीशन भी। तू बस पापा से प्रार्थना कर कि मुझे ऐसे ही 5-star रेटिंग्स मिलते रहे और कमीशन भी बढ़ता रहेगा, ताकि मैं पूजा ताई की शादी के लिए, नीति की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। बस सारी जिम्मेदारी पापा को अकेले को ना लेना पड़े। मेरी बेटी ने पापा का आशीर्वाद है। अभी तो 4:30 बजे, मैंने तो 6 बजे का अलार्म लगाया था। ये अलार्म किसका बज रहा है? इशु, तुझे पता है ना पानी की कितनी कटौती चल रही है? बाहर टैंकर आया होगा, जा जल्दी जाके पानी भर दे। उठ जा। जीवन का यही है।
बच गए। गुड मॉर्निंग पापा। ईशु हेगी तुझा गर्मा गर्म चाह। अदरक डाली ना, कूट कूट के डाली। फाइव स्टार ताई की फाइव स्टार चाय। तू ना सच में फाइव स्टार रेटिंग के पीछे पागल हो गई है। सब जगह तुझे फाइव स्टार दिखते हैं। ताई अगर फाइव स्टार नहीं आए तो इंसेंटिव कैसे मिलेगा और एक्स्ट्रा पैसे कैसे मिलेंगे? ईशु कल रात को घर कितने बजे आई थी? उशीर कुठे जाले का ताई, डेढ़ बजे तक आ गई थी। बस 10 मिनट यहाँ। ईशु खोटो बोलू नको सा, 1:30 बजे तो मैंने फोन किया था तुझे। अच्छा ठीक है, रात को लेट हो गया था, आते आते 2:30 बज गए थे। रात को अगर लेट हुआ था तो सुबह उठकर पानी क्यों भरा तूने? वैसे भी रचना का चांस था, उसे तो देखती हूँ अभी मैं। ताई नहीं नहीं जाने देना उसको, उसका खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। अगर डार्क सर्कल्स आएंगे तो ऑडिशन में फ्रेश कैसे लगेगी? सबकी चिंता है ना तुझे, एक मंदिर ही बना लेती हूँ तेरे लिए अब। तो थास्त पता है पूजा ताई, सुबह जब टैंकर आया था ना तब रेशमा आंटी क्या कह रही थी? क्या? उन्होंने बाबा के यहाँ से कबाब मंगाए थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। कितने बड़े दिल्ली जैसे शहर में हमारे महाराष्ट्रियन बाबा पंजाबियों से भी बेटर कबाब बना सकते हैं। ताई ये आई के बर्थडे केक का रिसीट है, वो डिलीवरी वाला आएगा तो प्लीज उसे ये दे देना। अरे देवा भाई का बर्थडे गिफ्ट तो मैं लेना भूल ही गई। घबरा ना कुछ, इकड़े बस। भाई मैंने आई के बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ सोचा है। गीता ज्वेलर्स पता है? मैंने ना वहाँ पे उनके लिए एक नोज रिंग पसंद की है। इशु पर उसके पैसे? तो टेंशन मत ले, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। इशु रानी तू सब कुछ कर सकती है ना, ऐसा कुछ है जो तू नहीं कर सकती? हाँ है ना, एक चीज है। का है? मैं अपनी पूजा ताई जैसे नहीं बन सकती। लाड़ी गोड़ी नको लाओ, चलो थप्पड़। अब देर नहीं हो रही है तुझे? देर तो बहुत हो गई ताई, आज मैं सिर्फ 2 ही शिफ्ट्स कर रही हूँ। नाइट शिफ्ट कैंसिल, कि बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेट करनी है। चल। और हाँ ताई, तू बस पापा से ये प्रार्थना कर कि आज हर काम में मुझे 5 स्टार रेटिंग दे, कमीशन कम नहीं होना चाहिए। चल जाते। ईशु कितनी बार कहा है जाते है नहीं ये ते मन। हो बाबा ये ते। बापा मेरी बहन के हक का प्यार, उसके हक की खुशियां उसे दे दो। बगुन गया बापा। शिव धूपर। चलो आज की बोली शिव जी कराएंगे। टाइम पे आ गई हूँ, ये शिव धूपर का है। हेलो मैडम, चलो चलो निकलो, 8 मिनट से ज्यादा पार्किंग अलाउड नहीं से। सर प्लीज 2 मिनट। नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए, नहीं तो फाइन लगा दूंगा। चलिए मैडम चलिए। OTP 7749।
कमल, तुम्हें इन्फॉर्म किया था ना 7:30 मेरी फ्लाइट लैंड होगी, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? आई डोंट ब्लडी केयर, ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? ओ, तुम्हारी बीवी बीमार है। ओके, तो मैं क्या करूं? तुम मुझसे तनख्वाह लेते हो या तुम्हारी बीवी? कमल, जस्ट स्टॉप टॉकिंग। एक तो मुंबई से मुझे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेनी पड़ी, ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती क्यों है आई डोंट नो। फिर तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे लास्ट मिनट ये पैथेटिक डाउन मार्केट कैब बुक करनी पड़ी है जिसकी बैक सीट में मैं फिट भी नहीं होता हूं। आला मोटा, खुद इतना लंबा है, इसमें मेरी टैक्सी की क्या गलती है? नहीं कमल, तुम अपना हिसाब कर लो, मैं माँ को बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों कुछ करेंगे, आप आराम से घर बैठिए और अपनी बीवी की सेवा करिए। सुबह सुबह लोग पापा का नाम लेते, ये तो उस बेचारे की नौकरी खा रहा है। हे ड्राइवर, क्या कहा तुमने? अब वो कुछ नहीं सर। ब्लास्ट एसी। क्या सर, वो हीटर ऑन है। मैंने जो कहा समझ नहीं आया क्या? It's bloody hot, so blast the damn AC. Okay, sir. नहीं कमल, और अब तू मुझे कहीं जॉब लेके दिखा, मैं देखता हूँ कैसे मिलता है तुझे जॉब। अरे बाप रे, इतना सुना रहा है ये, कुछ तो करना पड़ेगा वरना इसके ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाएगा। What the hell are you doing? और thank God बोल रही हो? वो सर, speed breaker दिखा नहीं। I'm sorry sir. और thank God कि आपको लगा नहीं। लगी तो नहीं ना? तुम्हें license किसने दिया? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो taxi क्यों चला रही हो? Sorry sir. Laptop गिर गया, phone गिर गया। Keep your eyes on the road. ये कहाँ है हम? गाड़ी को क्या हुआ? सर वो एक्चुअली मैंने शॉर्टकट लिया था ना, कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को, बस दो मिनट। अरे देवा, देख क्या रही हो तुम? आप कितने लंबे हैं सर? 6'1"? 6'4". अब हाइट की बात खत्म हो गई हो तो वेट की बात शुरू करें। ओ सॉरी, वो सर एक्चुअली इस कील की वजह से टायर पंक्चर हो गया, टायर चेंज करना होगा, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं टायर चेंज कर देती हूँ। तुम टायर चेंज करोगी? लड़की हो, कर लोगी? लड़की होके टैक्सी चला लेती हूँ तो टायर चेंज करना भी सीखा होगा ना सर। जबां काफी चलती है तुम्हारी, बुकिंग एंड करो, मैं दूसरी कैब बुक कर लूंगा। नहीं सर, वो दूर दूर तक आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, पीक आवर है, रेट भी 3 गुना ज्यादा होगा। आप 5 मिनट रुकिए, मैं ही आपको छोड़ देती हूँ। You want to play to tera
ब्लडी हाइस मैन जैक लूज था। सर अगर मुझे ड्राइव करना आता होगा तो मुझे टायर चेंज करना तो आता ही होगा। चलो कख नहीं आता तुम। अब हम दोनों को गाड़ी के नीचे दबा के मारोगी। एक्सक्यूज मी, वो आपके हाथ गंदे हो गए, प्लीज धो लीजिए। सर आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैं आपको 15 मिनट पहले ही लोकेशन पे पहुंचा दूंगी। 15 मिनट? दिल्ली के बारे में कुछ पता है? कम से कम आधा घंटा लगेगा यहाँ से। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए सर, 8:15 है, ठीक 8:30 आपको पहुंचा दूंगी। सर हम 1 मिनट पहले पहुंच गए। बैग निकाल लो। सर आपसे रिक्वेस्ट है, रेटिंग दे दीजिए मुझे एकदम अच्छी वाली। गाड़ी चलाना नहीं आता, टायर चेंज करना नहीं आता, और दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं आता। ये दुनिया रिव्यूज से नहीं पैसों से चलती है, और पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। गिव द चेंज। कॉफी ब्लैक नाउ। टू स्टार तुझे नाना चिट्टा। मां चीतर है। आपका भाई? कुछ आधे घंटे पहले। लेकिन तुझे क्या हुआ है? ये कपड़ों से क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं माँ, टैक्सी से ट्रैवल करना बड़ा ही औखा। अरे टैक्सी क्यों? कमल टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। माँ नाम ना लो उसका, टाइम से तो दूर एयरपोर्ट नहीं आया। मैंने फोन किया तो बोलता है सर मेरी बीवी बीमार है, करनी पड़ी कैब बुक। और माँ वो कैब ड्राइवर और निकल ना कर। वैसे आपको पता है ना ये सब आपकी गलती है। मेरी गलती? और नहीं तो क्या। मैंने क्या किया? पूरे स्टाफ को सर पे चढ़ा के रखा है। डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है जिसका जब मन करता है छुट्टी लेता है। जब तुझे कोई नहीं मिलता है ना तो मैं ही मिलती हूँ। अब कमल की बीवी को कॉल करके मैंने थोड़ी ना बोला था कि वो बीमार हो जाए। और एक बात बता, तूने मुझे क्यों नहीं फोन किया? मैं दूसरे ड्राइवर को भेज देती एयरपोर्ट लेने के लिए तुझे, या यश आ जाता। यश को मैं फोन नहीं करने वाला था, कल उसका फैशन शो था, रात को लेट आया होगा। आपका ड्राइवर 10:30 बजे आता है, और अगर मैं आपको बोलता तो आप सब छोड़ छाड़ के मुझे लेने आ जाती। And my, I love you. और आपकी ड्राइविंग, आधे दिल्ली की गाड़ियां ठोक के आती हैं एयरपोर्ट। अब सीधा सीधा ये बोल देना
मम्मा या भाई को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, तो एक मिनट रुक, कमल की अभी छुट्टी करती हूँ मैं। माँ, रहने दो, दो तीन दिन की बात है, I'll manage. Actually, आप उसे एडवांस भिजवा दो, उसकी भाई बीमार है, उन्हें जरूरत पाओगे। तेरा भी कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे सबकी फिक्र रहती है, लेकिन चतलाता नहीं है तू, इसीलिए लोग ना तुझे इतना मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बेटा, जब तक तू किसी को कुछ बताएगा नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तेरे अंदर भी एहसास है, जज्बात है। माँ, जिन इमोशंस की, जिन जज्बातों की आप बात कर रही हो ना, वो मैं खुद को भी नहीं दिखा पा। जज्बात कमजोरी है, और कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया लाइन लगा के खड़ी है। आपको एक सच बताऊं मां, नो वन केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी फीलिंग्स, मेरी जज्बात बाहर ना आए, वो ही अच्छा है। वैसे भी बहुत कुछ खोया है आपने और मैंने इन जज्बातों की वजह से। अब बस शिव बेटा, तूने बताया नहीं तेरी बॉम्बे वाली मीटिंग कैसी रही। अच्छी माँ, वो बड़ी इंटरनेशनल शादी हमारे होटल में होगी। मेरा बेटा, बस तू खुश रहा कर। माँ, बहुत काम है। ब्रेकफास्ट कर लेना, लंच भेजू। नहीं माँ, होटल में कर लूंगा। चलो बेटा, स्कूल बस आ जाएगी। ओहो, हजार दफा कहा है खाने के टेबल पर टेबल टेनिस मत खेला करो। चल आइस पे खेलते हैं। मैं छुपता हूँ, तू मुझे ढूंढ। अनिकेत, कहाँ है तू? कहाँ छुपा है तू बता ना। अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत! नफरत है मुझे अपने जिंदा होने से, कोई फायदा नहीं है इसका। मेरा जुड़वा भाई अनिकेत, सोचा था दोनों भाई जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरा बड़ा भाई पूरे 12 सेकंड बड़ा, बहुत जल्दी थी ना तुझे दुनिया में आने की, और इतनी जाने की। आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है।
नहीं बचा पाए हम तुझे उन किडनैपर से, नहीं जमा कर पाए हम वो पैसे, पर अनी मैं क्या करता, बहुत गरीब थे ना हम, और वो हमारा बाप जिसकी वजह से ये सब हुआ, और उसे फर्क भी नहीं पड़ा। ऐसा बाप तो मेरे दुश्मन को भी नसीब ना हो, लेकिन अनी अनी आप हमारे पास बहुत पैसे हैं, देखना क्या कुछ नहीं हमारे पास, वो जितनी मांगेगी ना मैं दूंगा ना, सकर तू ना वापस आ जा प्लीज भाई, आई मिस यू यार, तेरा मन नहीं लगता इस दुनिया में तेरे बगैर, प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जा। तुम रो मत, प्लीज। अरे इतने कौन रो रहा है, क्या हुआ बेटा, अचानक गड्डी क्यों रोक दी? मुझे ऐसा लगा कोई रो रहा है। मतलब ये कि कोई खास है जिसका दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे बेटा जी इस उम्र में अगर कोई दूजे के दुख से अपनी आंखों में आंसू आने लगे तो समझना चाहिए वो दूजा नहीं है अपना है। नहीं आंटी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो कैसी बात है? चल मैं ही बताती हूँ। ऐसा होता है कभी जाने अनजाने में कोई खास बिना कुछ कहे हमारे दिल में अपनापन बना लेता है, और फिर एक दिल दूसरे दिल की हर मुश्किल हर दुख हर खुशी बांटने लग जाता है, महसूस करने लग जाता है बेटा, और फिर तो पुत्र पता ही नहीं चलता कब एक दिल दूसरे दिल को गले लगा ले।